बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद नबी अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कुकिंग कैटलॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस दो तरीक़ों से बनता है, तो या तो ये टमाटो प्यूरी से बनेगा, आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी खुद भी बना सकते हैं, और प्यूरी का कैन जो है वो मिलता है 800 ml का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको टमाटरों की प्यूरी बनाना भी सिखाऊंगी कि आप घर पे इन टमाटरों से किस तरह से प्यूरी बना सकते हैं। अगर आपके पास कैन अवेलेबल नहीं है तो खुद भी प्यूरी घर पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप पेस्टा सॉस से भी बना सकते हैं। जो टमाटो कैन में 800 ml टमाटरों की प्यूरी होती है, जो तकरीबन 3 पाव टमाटर होते हैं, और ये तकरीबन 680 ml का कैन होता है, इसके अंदर भी तकरीबन 3 पाव ही टमाटर होते हैं। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 जवे जो है वो लहसुन के हैं, इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने 1 टीस्पून ली है, लेकिन आप इसको 1/2 टीस्पून भी ले सकते हैं। ये मिक्स इटालियन हर्ब्स हैं, या ओरिगानो लीव्स आप वो भी ले सकते हैं। ये 1 टीस्पून है, ये 1 टीस्पून ही जाएगा। इसके अलावा ये भी ऑप्शनल है, ये लाल मिर्च है, ये 1/2 टीस्पून है। 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिया है, ये मेरे पास सराचा चिली सॉस है। अगर आप पेस्टा सॉस से बना रहे हैं तो आप चीज़ वाला पेस्टा सॉस नहीं लेंगे, बल्कि रोस्टेड गार्लिक वाला पेस्टा सॉस लेंगे, या फिर हर्ब्स वाला लेंगे। सबसे पहले हम टमाटर लेते हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से प्लस की तरह कट लगाएंगे। जैसे सारे टमाटरों पे कट लगा लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा ऊपर से, बहुत डीप कट नहीं लगाना। अब इस कट को थोड़ा सा नीचे की तरफ फैला लेंगे। सारे टमाटरों पर इसी तरह से इस कट को नीचे की तरफ हल्का सा ले जाएंगे, इसको डीप कट बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस तरह से पानी बॉईल कर लें। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो इसके ऊपर स्टैंड रख लें, और स्टैंड के ऊपर इन टमाटरों को रखें, लेकिन अगर स्टैंड नहीं है तो भी ये इस तरह से रखे जा सकते हैं। अब इसको कवर कर दें, भाप में पकने दें। मैंने इनको तकरीबन 4 मिनट के लिए बॉईल किया है, और आप देखें इनका छिलका बड़े आराम से उतरने लग गया है। अब इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, इन सब का छिलका उतार लेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि टमाटर के चंक्स आए, तो आप इसको इस तरह से क्रश कर लें। अगर आप 4 टमाटर यूज़ करें तो 2 टमाटर इस तरह से क्रश कर लें, और 2 टमाटर टमाटरों की प्यूरी बना लें। वो मैंने क्रश कर लिया इस तरह से इसका भी। मोटे मोटे चंक्स इसके, जब ये प्रिपेयर हो जाएगा तो पिज़्ज़ा सॉस में टमाटर के चंक्स आएंगे। अब हम प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बनाने के लिए इस टमाटरों को इसमें शामिल कर देंगे और इनको ब्लेंड कर लेंगे। टमाटरों की प्यूरी रेडी है। एक पैन में हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें ये लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाना है। इसमें प्यूरी शामिल कर देंगे। और इसमें टमाटो चंक्स भी शामिल कर देंगे। अब इसमें सारी हर्ब्स शामिल कर देंगे। सराचा सॉस भी शामिल कर देंगे। अगर आपको इसका डार्क रेड कलर चाहिए तो आप इस पे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। सराचा से इसका कलर वैसे काफ़ी रेड हो गया है, लेकिन अगर आपको और डार्क कलर चाहिए तो आप 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करें। इसको पका कर गाढ़ा कर लेंगे, और जैसे ही ये गाढ़ा होगा ये रेडी है।
पिज़्ज़ा सॉस हमारा रेडी है, ये जितना हमें गाढ़ा करना था ये उतना गाढ़ा हो चुका है। इसका हम एक टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से गाढ़ा हुआ है या नहीं। टेस्ट करने के लिए हम एक साफ प्लेट लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डाल के देखेंगे और इसको देखें बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। अगर ये पतला होता तो ये पानी पहले नीचे जाता, लेकिन ये बिल्कुल सही थिक हो गया है। आपको इतना ही थिक रखना है। पिज़्ज़ा सॉस हमारा रेडी है, ये जितना हमें गाढ़ा रखना था उतना गाढ़ा हो चुका है। और आप देखें तो इसमें टमाटर के चंक्स भी हैं। अगर आपको चंक वाला पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाना तो आप इसको बिल्कुल ग्राइंड करके प्यूरी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।